कार्ड आ रहा है आज, दैट इज चेंज। अब इस कार्ड में अगर आप देखेंगे ऐसा लग रहा है एक व्हील है, उस व्हील में आप देखेंगे कि अलग अलग कलर्स हैं। बीच में जो सर्कल है जहां पे आप ब्लैक और व्हाइट एनर्जीज देख रहे हैं, दोज आर द यिन यान एनर्जीज। ये सिंबल यिन यान एनर्जी का है, जिसका मतलब है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज। अब ये व्हील आपको स्पिन करता नजर आ रहा है इस कार्ड में, क्योंकि अगर आप देखें तो इससे कनेक्टिंग रेज ऐसे निकल रही हैं, विच डिपिक्स दैट दिस व्हील इज स्पिनिंग। नाउ दिस कैन बी इंटरप्रिटेटेड एज द व्हील ऑफ कर्मा, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि घूमता रहता है, समय का चक्र है। आपके कार्मिक जो भी अकाउंट्स है उसके लिए या तो आप पे करते हैं या आप रिवॉर्डेड होते हैं। सो इट हैज मोर टू डू विद दैट। अब ये चेंज कैसा है इसके बारे में जानते हैं। ये सिंबल जो है, इट इज एन इनॉर्मस व्हील जो रिप्रेजेंट करता है समय को, आपके फेट को, कर्मा को। गैलेक्सीज स्पिन अराउंड दिस कॉन्स्टेंटली मूविंग सर्कल में, और 12 साइंस जोडियाक के इसके सर्कमफ्रेंस पे हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स में वो 12 जोडियाक साइंस दिखेंगे, ये जो मार्क्ड है अलग अलग कलर्स से। ये सिंबल्स हैं जोडियाक्स के, तो यानी कि समय का जो पहिया है, या आप कहें कि फेट का जो चक्र है या कर्म का जो पहिया है, वो किसी में भेदभाव करना नहीं जानता है। कोई भी राशि हो, कोई भी जोडियाक हो, वो सबके लिए उसी गति से घूम रहा है। इस सर्कमफ्रेंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो 8 ट्राइग्राम्स है, जिसमें आई चिंग है और सेंटर के क्लोजर, जहां 4 डायरेक्शंस है और लाइटनिंग है। अब ये स्पिनिंग जो आप अगर देखेंगे, ट्राइंगल है वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, विच मींस डिवाइन एनर्जीज की तरफ वो ट्राइंगल पॉइंटेड है। आई शो इट टू यू नाउ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये सारे ट्राइंगल्स जो हैं, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज की तरफ। इसके नीचे ये देखिए, ये 8 बने हुए हैं निशान। फिर इसके अंदर वापस से 4 बने हुए हैं, और इसके अंदर आपकी एनर्जीज हैं जो फीमेल और मैस्कुलिन एनर्जीज हैं। अब यहाँ पे चाइनीज सिंबल है यिन और यांग का, यानी कि मेल और फीमेल का, क्रिएटिव और रिसेप्टिव दोनों होने का, जो सेंटर में है। ऐसा कहा जाता है कि एक ही चीज है जो बदलती नहीं है इस दुनिया में, एंड दैट इज चेंज इटसेल्फ। परिवर्तन खुद नहीं परिवर्तित होता, क्योंकि परिवर्तन तो होना ही होना है। लाइफ लगातार चेंज होती रहती है, इवॉल्विंग, डाइंग, बीइंग रीबॉर्न। ये ऑपोजिट्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं इस सर्क्यूलर पैटर्न में। जैसे बर्थ हुआ, आप बड़े हुए, थोड़े और मच्योर हुए, एज हो गई, फिर उसके बाद यू लीव दैट फिजिकल बॉडी एंड देन यू आर रीबॉर्न। सो द साइकिल कंटिन्यूज, ये साइकिल चलती ही रहती है सर्क्यूलर पैटर्न में। अगर किसी भी कोने को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे, आपका सिर घूम जाएगा, क्योंकि ये तो समय की गति के साथ चलता जाएगा। तो इसलिए आप बीच में रहें, और आप बस इतना विश्वास रखें कि ये भी बीत जाएगा, जैसे और समय बीता है ये भी बीत जाएगा। एंड देन दे हैव बीन एविडेंसेस कि समय कभी भी नहीं रुकता, जैसे अच्छा है वैसे बुरा भी है। तो बीतना दोनों को ही है, अच्छा समय भी बीतता है, बुरा भी बीतता है। ओशो की टीचिंग्स इस रिगार्ड में क्या कहती है? ओशो की टीचिंग्स कहती है कि लाइफ अपने आप को रिपीट करती रहती है जब तक आप माइंडफुल नहीं हो जाते, वो एक पहिए की तरह चलती जाएगी। इसीलिए जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो बोलते हैं कि व्हील ऑफ लाइफ एंड डेथ, द व्हील ऑफ टाइम, क्योंकि वो व्हील की तरह मूव करता है। बर्थ
इज फॉलोड बाय डेथ एंड डेथ इज फॉलोड बाय बर्थ. जहां प्यार है इज फॉलोड बाय हेट्रेड एंड हेट्रेड इज फॉलोड बाय लव. सक्सेस इज फॉलोड बाय फेलियर एंड फेलियर इज फॉलोड बाय सक्सेस. तो ये तो साइकिल है. अगर आप ध्यान से देखें कुछ दिनों के लिए तो आपको एक पैटर्न दिखेगा इमर्ज करता हुआ. जैसे आपको बहुत अगर अंदर से खुशी हो रही है किसी दिन और किसी दिन आप बहुत डल महसूस कर रहे हैं तो ये आपको पैटर्न दिखेगी और ये पैटर्न यही चीज बताएंगे कि दे टेंड टू रिपीट देमसेल्व्स. ये घूमते रहते हैं और जैसे ही आप इस पैटर्न को समझ जाएंगे तो फिर आप इससे बाहर हो पाएंगे, फिर आप इसका हिस्सा नहीं रहेंगे. बिकॉज देन लाइफ विल टीच यू समथिंग एल्स. सी, लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है जो वो ये रिपीटेड पैटर्न्स के थ्रू हमें देती है. अगर आप इसका लेसन सीख जाते हो तो आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बाहर हो जाते हो, फिर दूसरा कोई लेसन आता है आपके लिए. तो ऐसे करते करते जैसे हम लोग ग्रेड वाइज पास होते हैं, भाई पहला ग्रेड पास किया तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रेड. तो वैसे ही जैसे जैसे आप पैटर्न समझते जाओगे आप वैसे वैसे आगे बढ़ते जाओगे.